बड़ी अद्भुत बात भद्रभाउ स्वामी महाराज ने करी कि ये पर्युषणा महापर्व कब सार्थक हो, कैसे सार्थक हो, क्या करे कि पर्युषणा महापर्व हमारा सफल हो। पर्युषणा महापर्व हर साल आता है, हर साल आराधना साधना करते हैं, हर साल उपासना करते हैं। हम कहाँ होते हैं तो के वहीं के वहीं पर होते हैं। हम अपग्रेड नहीं हो पाते, हम आगे नहीं बढ़ पाते। हम पर्युषणा महापर्व की आराधना के बाद 8 दिन के बाद 9वें दिन वापिस जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। और इसीलिए भद्रभाउ स्वामी महाराज ने ये 12 सूत्र ग्रंथ के माध्यम से लिखा, जो उव समय तस् अति आराहना, जो न उव समय तस् नथी आराहना। अर्थात जो उपसम का भाव रखता है, जो क्षमा का भाव रखता है, आप चाहे प्रतिक्रमण कर लो, आप चाहे पचखान कर लो, आप चाहे प्रायश्चित कर लो, आप चाहे दान आदि धर्म की आराधना कर लो, आप चाहे तपत्याग कर लो, आप चाहे बड़े से बड़ी तपस्या कर लो, लेकिन भद्रभाउ स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिख दिया, जो हुआ समय तस् अति आराहना, जो न हुआ समय तस् नथी आराहना। अर्थात जो उपसम यानी कि क्षमा का भाव रखता है उसकी ही आराधना सार्थक है, और जो क्षमा का भाव नहीं रखता उसकी आराधना निरर्थक है। पूरे साल में ये एक दिन ऐसा जहां भीतर से सभी को माफ कर देना है, भीतर से एक एक व्यक्ति को याद करके, एक एक आत्मा को याद करके, एक एक जीव राशि को याद करके, जहां भी किसी के साथ मन मुटाव हुआ हो, जहां भी किसी के साथ बोलचाल हुई हो, जहां भी किसी के साथ अनबन हुई हो, जहां भी किसी को उग्रता से कुछ बोलना हुआ हो, जहां भी किसी के साथ वैर का बंध हुआ हो, जहां भी किसी के प्रति क्रोध की भावना जगी हो, जहां भी हमारे वचनों के द्वारा किसी को हर्ट हुआ हो, किसी को तकलीफ पहुंची हो, किसी को पीड़ा पहुंची हो, ये सभी जीवों को एक एक को याद करके आज के दिन खमाना है। और इसीलिए हमारे जिन शासन का अद्भुत सूत्र है, खामे मी सव जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, खमाता हूं मैं सर्व जीवों को, सर्व जीव मुझे क्षमा करे। मिट्टी में सब भूएसु, मैत्री है सभी से मेरी, ये संसार के जितने भी जीव है सभी के साथ मेरी मैत्री है। मिट्टी में सब भूएसु, ये संसार में जितने भी आत्मा है, जितने भी जीव है, चाहे वो छोटी सी चींटी का जीव हो, चाहे मनुष्य का जीव हो, चाहे देवलोक के कोई देव का जीव हो, मिट्टी में सब भूएसु, मैत्री है सभी से मेरी, वेरम मज्जम न केणई बैरना कोई से मुझे, मुझे यह संसार में किसी के प्रति बैर की भावना नहीं है, किसी के प्रति गलत भावना नहीं है, और हो तो आज के दिन एक एक को याद करके माफी मांग लेना। आप मांग लेना, सामने वाला मांगे न मांगे उसकी मर्जी, लेकिन आप निश्चित तौर पर तो ही यह संवत्सरी प्रतिक्रमण सार्थक हुआ माना जाएगा। यदि हम एक एक जीव को याद करके उपसम भाव से क्षमा धारण करें, क्षमा दे दे, माफी दे दो, जो किया गलती उसकी थी हमारी थी ये मैटर नहीं करता, मैटर आज के दिन ये करता है आपने माफी मांगी या नहीं मांगी, आपने माफी दी या नहीं दी, आपने माफ किया या नहीं किया। इसीलिए ये संवत्सरी महापर्व का ये अद्भुत दिन है। मिट्टी में सव भूएसु वेरम मज्जम न केणई बैरना कोई से मुझे, ये संसार में किसी के प्रति मेरा बैर का भाव नहीं है। आंखें बंद करना, एक एक जीव को याद करना, एक एक जीव को खमाना, इसके साथ ये हुआ था, इसके साथ ये हुआ था, इसको मैंने डांटा था, इसके ऊपर चिल्लाया था, इसके ऊपर इसके साथ मैंने झगड़ा किया था, इसके ऊपर मैंने क्रोध किया था, एक एक को याद करना। और शायद क्रियान्वित नहीं भी किया हो लेकिन मन में भी यदि गलत भाव उठा हो तो उसकी भी माफी मांग लेना। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पूरे दिन हमारे हृदय में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में यही सूत्र रहना चाहिए, खामे मी सव जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मिट्टी में सव भूएसु वेरम मज्जम न केणई, खमाता हूं सर्व जीवों को, सर्व जीव मुझे क्षमा करे, मैत्री है सभी से मेरी, बैरना कोई से मुझे। क्योंकि यदि एक क्षमा आप नहीं मांगते तो आपकी सारी की सारी पूरे साल की आराधना निष्फल है। ये कान खोल के बराबर सुन लेना, ये मैं नहीं कहता, भद्रभाउ स्वामी महाराज कहते हैं। और इसलिए आज के दिन को पाकर के परम पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव श्री आचार्य भगवान कुलचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा आदि
सभी श्रवण वृंद और सभी श्रमणी वृंद की ओर से आप सभी को मन वचन काया के त्रिविध योग से पूरे साल में हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो, पूरे साल में हमने आपके हृदय को ठेस पहुंचाई हो, पूरे साल में कोई भी तरह से हमने आपको दुखी किया हो, आपके हृदय को पीड़ा पहुंची हो, जानते या अनजाने में, तो सकल श्री संघ को सभी श्रमण श्रमणी वृंद की ओर से मन वचन काया के त्रिविध योग से मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, मिच्छामि दुक्कड़म, आप उदार हृदय से हमें क्षमा करें। चतुर्मास प्रारंभ हुआ वहां से लेके आज तक ट्रस्ट मंडल के साथ, कमिटी मेंबर्स के साथ, संघ के सदस्यों के साथ, या छोटे से छोटे एक बालक के साथ, या छोटे से छोटे एक इंसान के साथ हमारे द्वारा कोई भी तरह की गलती हुई हो, भूल हुई हो, तो सकल श्री संघ को भी मन वचन काया के त्रिविध योग से मिच्छामि दुक्कड़म। बार बार ट्रस्ट मंडल के साथ काम करना होता है, कभी कभी मत मतांतर होते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा ट्रस्ट मंडल व्यवस्थापक कमेटी और कारोबारी के कोई भी सदस्य को हर्ट हुआ हो तो उन सभी को भी मिच्छामि दुक्कड़म। साठ साठ श्रमणी भगवंत पूज्य गुरु भगवंत की निश्रा में चतुर्मास करने के लिए पधारे, योगोद्वहन की अद्भुत आराधना, और संघ ने उत्तम व्यवस्था करी, श्रमणी भगवंत खूब बहुत सुंदर आराधना कर रहे हैं, और यह सभी श्रमणी भगवंतों को भी हमारे श्रमण वृंद की ओर से ये पिछले 50 दिन में या पिछले पूरे साल में आपकी व्यवस्था में कहीं पर खामी रह गई हो, हमारे द्वारा आपको कहीं हर्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, तो हम सभी श्रमण वृंद की ओर से, गुरुदेव सहित, मेरे सहित, हम सभी श्रमण वृंद की ओर से आप सभी श्रमणी भगवंतों को भी अंत से मिच्छामि दुक्कड़म, उदारता के भाव रख के आप सभी हमें भी समाधान करें। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।